अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शानजा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है शामी कबाब। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, ऐसे तो हम बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं लेकिन मेरी फेवरेट ये इसलिए है कि ये मैंने अपनी ग्रैंड माँ से सीखी है और बहुत ही ऑथेंटिक और टेस्टी और यम्मी रेसिपी ये बनती है। लाइक बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे आप यू विल लव द टेस्ट। लेट स्टार्ट। ओके, पहले हम इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। ये मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है। आपको फ्रेश चिकन ही लेना है। लाइक आप फ्रोज़न चिकन से बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि फ्रेश चिकन से आएगा। तो उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए मैंने। आप अपने चिकन वेंडर से भी करवा सकते हैं, खुद भी घर पे फिले ला के भी कर सकते हैं। उसके बाद हाफ के जी इसमें चने की दाल है और बस एक मीडियम साइज़ अनियन है जिसको मैंने रफली कट कर लिया है, और 2 टेबल स्पून हीट जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भर के क्रश चिली पाउडर और 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर यानी टर्मेरिक पाउडर, 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं सॉल्ट और चिली को, बट इसके साथ ऑलमोस्ट बैलेंस्ड फ्लेवर आता है, बहुत स्पाइसी फ्लेवर नहीं आएगा और आपको कुछ कम भी नहीं लगेगा। और 2 टेबल स्पून गरम मसाला जो कि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है। लाइक उसकी जो अपनी शामी कबाब की खुशबू होती है उसमें गरम मसाला मेजर रोल प्ले करता है। सो वील स्टार्ट विद द रेसिपी। ये जो चना दाल है इसको मैंने 2 आवर्स पहले वॉश करके सोक कर दिया था, ठीक है। तो अब इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में ही, मोस्टली मैं बनाती हूँ जस्ट क्योंकि ये टाइम सेविंग होता है। आप चाहें तो इसको हंडिया में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको 5-6 ग्लास पानी डाल के साथ में चिकन डाल के सब इंग्रेडिएंट्स डाल के, तो जिस भी मेथड से जिस प्रोपोर्शन से आप कुक करते हैं पानी का तो वो आप कर सकते हैं। साथ में इसमें चिकन डाल दिया और ये सब मसाले, टर्मेरिक, चिली, कोरिएंडर, क्रश चिली, सॉल्ट एंड गर्म मसाला, ये सब चलेंगे इसमें। और ये 2 टेबल स्पून ही जिंजर गार्लिक पेस्ट का। और फ्रेश बनाया आपने तो भी ठीक है, अगर आपके पास पहले से फ्रिज में बना हुआ है तो भी इट्स ओके। लाइक मुझे इसका बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता कि आपको हर बार फ्रेश ही लेना है। और बस एक ही अनियन मीडियम साइज में आपको बताया वो आपने डालनी है। और ये 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर है क्योंकि हमने इसको ऑलमोस्ट 12-15 मिनट्स का प्रेशर लगाना है, तो उसके हिसाब से ये 3 ग्लासेस ऑफ वाटर जो हैं वो इनफ रहेंगे। इसमें दाल जो है वो बिल्कुल गल जाएगी, चिकन भी गल जाएगा, और ना तो ये रनी मिक्सचर होगा और ना बहुत ड्राई होगा। इस ये बिल्कुल जब आप इसका प्रेशर ओपन करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस फॉर्म पर होगा कि लाइक दाल भी गल चुकी होगी, चिकन भी गल चुका होगा, उसमें कोई एक्सेस वाटर नहीं होगा और आपको बस इसको बाद में ग्राइंड करना है। तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब हम इसका लिड कवर करते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। अब इसको हम विसल बजने के बाद टाइम काउंट करेंगे 12-15 मिनट्स का। जी व्यूअर्स, अब 15 मिनट्स हो गए हैं और अब हम इसका प्रेशर को मैं ऑलरेडी फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ, इसकी स्टीम निकल गई है। अब मैं इसको ओपन करके देखूँगी कि दाल और चिकन हमारे हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दाल भी फुली, जी दाल भी फुल हमारी गल गई है, और चिकन भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो वैसे भी बोनलेस था तो जल्दी हो जाता है, चिकन भी हमारा हो गया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे कुछ देर, क्योंकि बिल्कुल आप गर्म पीसेंगे अगर तो जब भी फ्राई करेंगे तो वो टूटने का डर होता है। और इसमें से जो ये बोनलेस चिकन के पीसेज हैं इनको मैं निकाल के सेपरेटली श्रेड करूँगी, और उसके बाद दाल को ब्लेंडर में डालकर, तो प्रोसेसर में डालकर मैं दाल को पीस लूँगी, और फिर हम इसमें बाकी मसाला डाल के और इसके कबाब बनाएंगे।
जी, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि दाल हमारी जो है वो ठंडी हो गई है क्योंकि हमें गर्म नहीं पीसनी थी, और चिकन को मैंने सेपरेट कर लिया है ठंडा होने के बाद। अब मैं इसके हाथ से शेड्स करूँगी। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा ब्लेंडर में डाल देंगे तो उसका एक बहुत पेस्ट लाइक जो है वो कंसिस्टेंसी आएगी, तो उसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो अब ये कि चिकन को मैं सेपरेट शेड करके दाल को सेपरेटली जो है वो फूड प्रोसेसर में करूँगी, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके तो इसमें जो इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालूंगी, वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, अब ये हमारा चिकन जो है वो फुली श्रेड हो चुका है। अब हम दोनों को मिक्स करके और ब्लेंडर में प्रोसेस करेंगे, लाइक उसको इस तरह से मिक्स करेंगे कि वो एक कबाब की फॉर्म में आ जाए, और फिर हम इसमें जो भी रॉ वेजिटेबल्स कुछ डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ वो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जी व्यूअर्स, अब हमारा ये जो चिकन और दाल का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था, जिसमें से चिकन के पीसेस निकाल के मैंने श्रेड कर लिए थे, अभी दोनों चीज़ें कम्प्लीटली ठंडी हो गई हैं। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, और देन इसके बाद हम इन सब चीज़ों को जो है वो मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कीमे और चिकन को मिक्स करते हुए ये चीज़ें साथ साथ डालती रहूँगी। जो चीज़ें डालनी वो आप नोट कर लें कि एक कैबेज का मीडियम साइज़ का मैंने फूल लिया, उसमें से हाफ को मैंने यूज़ किया है बारीक बारीक काट के, 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, और एक बड़े साइज़ का लेमन जिसको मैंने हाफ लिया है। अगर छोटा हो तो मैं फुल ले लेती। तो साथ में 2 ब्रेड के स्लाइसेस जो कि कीमे को एक अच्छी सी बाइंडिंग दे देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस चिकन को भी मैं साथ साथ डालती रहूँगी ताकि सब चीज़ें मिक्स होती जाएं। थोड़ी सी कैबेज डाली, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाली और धनिया डाला। अब हम इसको मिक्स करते हैं, और ये लेमन जूस भी मैं डाल रही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये फाइनल बैच है और इसमें ही मैं ये एक स्लाइस रह गया था, एक मैंने पहले हाफ में डाला और एक अब मैं इसको चला दूंगी। ये अब इस मिक्सचर की फाइनल शक्ल है, ये देखें कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, ब्लेंड हो गया। अब मैं इसके छोटे छोटे से कबाब बनाऊंगी और फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि कैसे लगते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस साइज़ के कबाब जो हैं वो आपको बनाने हैं। इसके लिए आपको हाथों को ग्रीस करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस साइज़ के हम जो हैं वो कबाब बनाएंगे, और ऐसे ही करके मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। जी, तो अब मैंने अपने सारे कबाब जो हैं वो शेप अप कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैंने एक एग बीट किया है, और अब मैं आपको कुछ कबाब जो हैं वो फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल मैंने पहले गर्म होने के रख दिया था, इसको बहुत नॉर्मल लाइक लो टू मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, वरना आपका एग बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और अंदर से जो कबाब है वो कुक नहीं हो पाएगा। बाकी के कबाब को मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, इनको आप जब ये सेट हो जाएंगे लाइक बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे तब आप निकाल के किसी भी जिप लॉक बैग में या किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और फिर जब आपको यूज़ करना हो 5 मिनट्स पहले निकाल के और डायरेक्टली एग में फ्राई कर सकते हैं। Thank you.
इसको टर्न करते हैं। अभी बेशक ये बहुत फ्रेश हैं, फिर भी इंशाल्लाह ये टूटेंगे नहीं, लेकिन जब ये फ्रीज़र में जाके अपनी शेप ले लेंगे तब ये बहुत ज़्यादा अच्छे फ्राई होंगे, आपको उनको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। फ्लेम आपको इतनी ही रखनी है। जी तो अब आप देख सकते हैं इसकी फाइनल शक्ल, देखने में जितने ये यम्मी लग रहे हैं इंशाल्लाह टेस्ट करने में भी आपको उतने ही डिलीशियस लगेंगे। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आप चाहें तो इसको एंड पे ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, एग के बाद ब्रेड क्रम में कोट करें और फिर फ्राई करें तो वो टी टाइम स्नैक के लिए ज़बरदस्त होते हैं। ये मैंने आपको राइस या डिनर टाइम पे कभी भी सर्व करने के लिए बताया कि इसके लिए सिर्फ आपको एग की कोटिंग करनी है। जी तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना मेरी वीडियोस को, नहीं भूलिएगा। टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।